आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यथा खनन खनित्रेण यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति नरो वार्यधिगच्छति। तथा गुरु गतां विद्यां तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुर अधिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुर अधिगच्छति। आइए अर्थ देखते हैं। यथा यथा इति अव्ययपदं वर्तते, खनन इति अत्र मूल प्रातिपदिकं किं वर्तते, खनन इत्यत्र खनत् युष्माभिः कौमुद्यां रूपाणि स्मृतानि स्युः, पठति इति शब्दस्य पठन् पठन्तौ पठन्तः स्मृतानि, पठत् शब्दो भवति तस्य रूपाणि कथं भवन्ति, पठन् पठन्तौ पठन्तः। तथैव खनत् इति प्रातिपदिकं वर्तते तस्य रूपाणि कथं भविष्यन्ति, खनन् खनन्तौ खनन्तः। तर्हि खनन् इति प्रथमायाः एकवचनम्, क्रियापदं कथं, खनन् इति प्रथमायाः एकवचनम्। प्रातिपदिक क्या है यहाँ पर, खनत्। पठत् जैसे प्रातिपदिक होता है, पठत् के रूप कैसे चलते हैं, पठन् पठन्तौ पठन्तः, वैसे ही प्रातिपदिक क्या है यहाँ पर, खनत् खनत्। तो इसके रूप कैसे हो गए, खनन् खनन्तौ खनन्तः। पठत् का अर्थ क्या होता है, पढ़ता हुआ, ऐसे ही खनत का अर्थ क्या हो गया, खोदता हुआ। खनत का अर्थ क्या हो गया, खोदता हुआ। खनित्रेण तृतीयायाः एकवचनम्, मित्रेण राज्येण तथैव खनित्रेण, ये तृतीया एकवचन हो गया। नरः नरः बताइए विभक्तिवचन, प्रथमायाः एकवचनम्। फिर यहाँ पे दो शब्द है, बता सकते हैं आप संधि विच्छेद करके, कौन कौन से, अगच्छति तो गच्छति, ये दो शब्द हैं वारी और अधिगच्छति। एक वारी है और एक अधिगच्छति, ठीक है। तो वारी क्या है आपका, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द, इसके रूप याद किए, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, ऐसे रूप चलते हैं, ठीक है। फिर आगे तो वारिणा वारिभ्याम वारी भी, तो ये वारी शब्द जो है, वारी पद दो जगह बनता है, प्रथमा एकवचन में भी और
द्वितीय एक वचन में भी, बोल के बताइए वारी शब्द के रूप प्रथमा और द्वितीय में क्या सीखे? वारी वारी नी वारी नी। फिर से एक बार, वारी वारी वारी। हाँ, तो ये वारी दो जगह बन सकता है ना। अब इस वाक्य में, पूरे वाक्य में ये कर्म पद है, इसलिए कौन सी विभक्ति समझे हम यहाँ पर? कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीया का एकवचन। और अधि तो हमारा उपसर्ग है, प्रपर आप समन्वय में अधि भी आता है ना। कहाँ आता है? व्यधि सुदति निप्रति, तो व्यधि में अधि भी है ना, तो अधि उपसर्ग हो गया। जितने भी सारे उपसर्ग हैं वो सारे क्या होते हैं? अव्यपद ही होते हैं, ठीक है। सारे के सारे उपसर्ग अव्य होते हैं। गच्छति क्या है फिर? क्रियापदम। ये अधि उपसर्ग है, गच्छति क्रियापद है। फिर आगे देखिए तथा। तथा क्या है? अव्यपद। अव्यपद किनको कहते हैं? हाँ, जिनके रूप नहीं चलते। गुरु गताम विद्याम, गुरु गताम। बताइए विभक्ति वचन क्या हो जाएंगे? मूल प्रातिपदिक ढूंढिए पहले। मूल प्रातिपदिक क्या है? गुरु गता, ठीक है। गुरु गता ये मूल प्रातिपदिक है, तो उसके रूप कैसे चल जाएंगे? लता के जैसे चल जाएंगे। लता का लताम कहाँ होता है? द्वितीयायाः एकवचने। तर्हि गुरु गताम इत्यत्रापि द्वितीयायाः एकवचनम्। विद्याम ये भी क्या हो जाएगा? हाँ, ये देखो गुरु गता ये विशेषण है किसका? विद्या का। तो इसलिए विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय एकवचन है, तो गुरु गता शब्द भी स्त्रीलिंग द्वितीय एकवचन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ कोई और शब्द होता ना, जैसे ज्ञानम, तो ये क्या हो जाता? गुरु गतम ज्ञानम, ठीक है। गुरु गताम विद्याम, गुरु गतम ज्ञानम, ठीक है। ऐसा अलग अलग हो जाता, क्योंकि विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन कैसा होता है? विशेषण। हाँ, विशेष्य के जैसा होता है। विशेषण का लिंग विभक्ति और वचन कैसा होता है? विशेष्य के जैसा होता है। फिर आगे देखिए सुश्रूषुः। आपने गुरु शब्द के रूप याद किए ना, गुरु के रूप बोलिए प्रथमा में। विसर्ग का भी स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, गुरुः गुरु गुरवः। तो ऐसे ही सुश्रूषु शब्द है, इसके रूप भी गुरु के जैसे चलेंगे, ठीक है। सुश्रूषु शब्द है, इसके रूप कैसे चलते हैं? गुरु के जैसे ही चलते हैं, तो सुश्रूषु, ठीक है। विसर्ग से पहले रेफ होता है, रेफ को ही तो विसर्ग करते हैं ना। रेफ को विसर्ग कब होता है? खरिया अवसान में, खर के परे रहते तो आगे तो अ है, अ खर में नहीं आता, और अवसान तो है नहीं क्योंकि आगे हम उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने ससजुष और रूह से रू किया था वो रू ही रहा, ठीक है, वो रेफ ही सुनाई पड़ेगा। उस रेफ को क्या नहीं हो पाया? विसर्ग नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि विसर्ग करने वाले सूत्र की शर्त नहीं घट रही। नागेश्वरी जी समझ आया? भाई सुश्रूषु प्रातिपदिक है ना, उससे हम सु लेके आए थे, सु औजस वाला सु। उस स को हमने क्या कर दिया? ससजुषो रुह से रेफ कर दिया। अब वो रेफ उसको क्या नहीं हो पाता है? विसर्ग या हाँ, उसको विसर्ग नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आगे खर भी नहीं है, आगे तो अवर्ण है और ना ही अवसान में है, तो वो रेफ का रेफ ही सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो सुश्रूषु ये प्रथमा का एक वचन हो गया हमारा। और अधि गच्छति पहले के जैसे, अधि उपसर्ग है या कहिए अव्यय है, और गच्छति क्या है हमारा? क्रियापद है, ठीक है। तो ये विभक्ति वचन सब हो गए। अब अर्थ देखते हैं। यथा माने, यथा माने क्या होता है? जैसे। खनन नरह, खनन माने खोदता हुआ, नरह माने मनुष्य। कैसे खोदता हुआ? खनित्रेण, खनित्रेण माने कुदाल से। कुदाल जानते हैं ना, क्या बोलते हैं और उसको, और भाषा में कस्सी, कस्सी भी बोलते हैं ना, जिससे खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, कुदाल बोलते हैं या कस्सी बोलते हैं। तो यथा
जैसे खनित्रेण कुदाल के द्वारा खनित्र के द्वारा खनन नरह खोदता हुआ मनुष्य। फिर क्या है आगे? वारी। वारी माने क्या होता है? अभी बताते हैं। वारी माने क्या होता है? जल पानी। तो कर्म विभक्ति है पानी को। अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है, गच्छति माने जाता है, लेकिन उसके साथ अधि लग जाता है तो अर्थ बदल जाता है। अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। उपसर्ग के कारण से धातु का अर्थ बदल जाता है ना दामिन जी? उपसर्ग किसको कहते हैं? जो क्रियावाची शब्द के आगे लग करके प्रायः करके उसके अर्थ को बदल देता है। तो ये अधि उपसर्ग लगा हुआ है ना गच्छति के साथ, तो गच्छति के अर्थ को बदल देता है। गच्छति अकेला प्रयोग होता है तो गच्छति का अर्थ क्या होता है? जाना, जाता है। गच्छति माने जाता है, लेकिन अधि उपसर्ग लग जाएगा तो अधिगच्छति, अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए। प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया हमारा यथा माने जैसे, खनित्रेण कुदाल के द्वारा, खनन नरह, खनन माने खोदता हुआ, नरह मनुष्य, वारी अधिगच्छति जल को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए किसी को पानी की आवश्यकता है। ठीक है, कोई किसान है मान लीजिए, उसको अपने खेत में पानी चाहिए। दामिन जी, किसान को कहाँ पानी चाहिए? अपने खेत में पानी चाहिए। तो उसके पास पानी का कोई साधन नहीं है तो क्या करता है? भूमि को खोदता है कुदाल से, है ना? भूमि को कुदाल से खोदता है, तो फिर भूमि के अंदर छिपा हुआ जो पानी होता है, पानी ऊपर से तो नहीं दिखता ना कि भूमि में पानी है कि नहीं है, लेकिन भूमि के अंदर पानी होता है, और वो पानी उसको किसान कैसे प्राप्त कर लेता है? कुदाल से खोदते हुए उस पानी को प्राप्त कर लेता है। तथा, तथा माने वैसे ही, उसी प्रकार से गुरु गताम विद्याम, गुरु के पास जो विद्या है उसको, गुरुगत विद्या को। गुरुगत विद्या माने गुरु के अंदर जो विद्या है, गुरु के अंदर निहित जो विद्या है उसको कौन प्राप्त करता है? सुश्रुषुः अधिगच्छति। सुश्रुषुः माने क्या होता है? अधिगच्छति तो प्राप्त करता है, और सुश्रुषुः माने, देखो इसके जैसे आपने कुछ शब्द सुने हुए हैं, पिपासु, सुना है? पिपासु माने क्या होता है? प्यासा। पातुम इच्छुः पिपासुः, इसको संस्कृत में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बोल के बताइए? पातुम इच्छुः पिपासुः। पातुम माने पीने का, इच्छुः माने इच्छुक मनुष्य, इच्छा करने वाला मनुष्य। आपने सूत्र भी याद किया होगा, विन्दुर इच्छुः, क्या इच्छुः शब्द भी है वहां एक, तो पातुम इच्छुः पिपासुः। ऐसे ही मुमुक्षुः, ये शब्द सुना है मुमुक्षु, ये एक जैसे ही शब्द है। सुश्रुषु पिपासु मुमुक्षु, सब में सन प्रत्यय है, और जो है वो सना संसभिक्ष उह से उ प्रत्यय है। सन प्रत्यय धातुः कर्मणः समानकर्त्री तादिच्छायां वा, ये जो स स स सुनाई पड़ रहा है ना, ये सब सन प्रत्यय आया हुआ इच्छा अर्थ में। कौन से सूत्र से? धातुः कर्मणः समानकर्त्री तादिच्छायां वा। और फिर ये जो ऊ सुनाई पड़ रहा है, ये सना संश भिक्ष उह सूत्र से ऊ हो रखा है। ठीक है, तो पिपासु माने पीने की इच्छा वाला, मुमुक्षु माने छूटने की इच्छा वाला, बुभुक्षु माने भोजन करने की इच्छा वाला, जिसको भूख लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ही सुश्रुषु माने श्रोतुम इच्छुः सुश्रुषुः। ठीक है, जो सुनने की इच्छा वाला है। ठीक हो गया, बोल के बताइए सुश्रुषु माने, संस्कृत में बताइए पहले, श्रोतुम इच्छुः सुश्रुषुः। पिपासु माने पीने की इच्छा वाला, प्यासा। ठीक है, इसको बोल के संस्कृत में बताइए, पातुम इच्छुः पिपासुः, मोक्तुम इच्छुः मुमुक्षुः, भोक्तुम इच्छुः बुभुक्षुः।
आ गया आपको? एक बार फिर से बोले, पिपासु माने पातुम इच्छुहु पिपासुहु, और मुमुक्षु, हाँ मोक्तुम इच्छुहु मुमुक्षुहु, और बुभुक्षु किसको कहेंगे? भोक्तुम इच्छुहु बुभुक्षुहु। ऐसे ही सुश्रुषुहु माने श्रोतुम इच्छुहु शुश्रूषुहु, श्रोतुम इच्छुहु, जो सुनने के लिए इच्छुक है, इच्छा करने वाला है, उसको क्या कहते हैं? सुश्रूषुहु। ठीक है, तो जो सुनने की इच्छा वाला है वो अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है सुनने की इच्छा वाला? गुरुगत विद्या को प्राप्त कर लेता है। फिर से देखिए, हम पहले एक उदाहरण देके समझाया कि मनुष्य जो है वो खनित्र के माध्यम से भूमि को खोदता हुआ किसको प्राप्त कर लेता है? जल को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से जो अपने गुरु आचार्य उपाध्याय के अंदर निहित विद्या को प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको सुनने की इच्छा वाला होना पड़ेगा। वो बात सुनता है अगर, तभी वो गुरु के अंदर जो ज्ञान निहित है उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे मनुष्य जो है वो बिना खोदे जल प्राप्त नहीं कर सकता ना, ठीक है, बिना भूमि को खोदे जल प्राप्त नहीं कर सकता। भूमि को खोदना रूपी पुरुषार्थ तो उसको करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको पूछने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनने का पुरुषार्थ तो करना ही होगा, नहीं तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। उसके बिना जो है वो गुरु का ज्ञान आचार्य का ज्ञान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जो सुनने की इच्छा करता है, जिस विषय में नहीं जानता उसमें प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, ध्यान से सुनता है, वही जो है वो गुरुगत विद्या को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ध्यान से सुनना ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला चरण है। ठीक है, पूछना, जहां नहीं आता है उसको पूछना। विद्या किसको आती है? पूछने वाले को आती है। जहां नहीं आपको समझ आया, जहां नहीं आप जान पाए, उसको पूछना चाहिए फिर। ठीक है, श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? तो पुरुषार्थ करना अनिवार्य है, पुरुषार्थ करना अपरिहार्य है। पुरुषार्थ किए बिना हम कुछ भी नया सीख नहीं सकते। कुछ भी नया जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सबके लिए पुरुषार्थ, बोलिए, अनिवार्य है, आवश्यक है। चलिए इसका उच्चारण कर लेते हैं। नहीं, पहले एक बार आप अर्थ बताएंगे। यथा माने जैसे, खनित्रेण कुदाल के द्वारा, खनन नरह खोदता हुआ मनुष्य, वारी अधिगच्छति जल को प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे ही उसी प्रकार ही सुश्रूषु सुनने की इच्छा वाला, सुनने के अभ्यास वाला व्यक्ति गुरु गताम विद्याम, गुरु के अंदर निहित ज्ञान को, गुरु के अंदर निहित विद्या को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। हाँ जी, किसका अर्थ? किसका? सुश्रुषुः शब्द का। सुश्रुषुः माने श्रोतुम इच्छुः, सुनने की इच्छा करने वाला। श्रोतुम माने सुनने के लिए, इच्छुः माने इच्छुक। श्रोतुम इच्छुः, सुनने के लिए जो इच्छुक है उसको क्या कहेंगे? सुश्रुषा। आपने ये शब्द बहुत सुना हुआ है, बोलते हैं ना बड़ों की, वृद्धों की क्या करनी चाहिए? सेवा सुश्रुषा करनी चाहिए, बोलते हैं। सेवा शुश्रूषा करने वाले विद्यार्थी, सेवा शुश्रूषा करने वाले पुत्र पुत्रियां जो है वो माता पिता को सुख देते हैं। तो सेवा और साथ में उसके साथ क्या भी जुड़ा होता है? शुश्रूषा, माने उनके पास बैठ के हम उनकी बात सुन भी सकें धैर्य से, उनकी बात सुनने के भी अभ्यासी हों हम। ठीक है, सेवा शुश्रूषा, अर्थ आ गया आपको समृद्धि जी? ठीक है, चलिए। यथा खनन खनित्रेण, यथा खनन
नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्याम् शुश्रूषुरधिगच्छति यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्याम् शुश्रूषुरधिगच्छति। ठीक है, एक बार आंखें बंद करके बोलिए। ठीक है, कौन सुनाएंगे अभी? चलिए समृद्धि जी सुनाइए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, है ना। हम लोग क्या सीख रहे हैं? तिंगंतों की सिद्धियां। तिंगंतों में भी हम क्या सीख रहे हैं? पठति शब्द की सिद्धि सीख रहे हैं। ठीक है, तिंगंतों की सिद्धियों के 10 स्टेप हम सीख चुके हैं। ठीक है, 10 स्टेप हम सीख चुके हैं, तो उससे आगे चलें आज। उसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता है नहीं, इसका मतलब आपको तैयार है, किसी से भी पूछ लें, सब सुना देंगे 10 स्टेप। नहीं, चलो जिससे जो पूछेंगे वो बताएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। रत्ना जी, पठति की सिद्धि में सबसे पहला काम क्या है? बैठे बैठे ही बता देंगे। धातु संज्ञा, कौन से सूत्र से करते हैं? भुआदयो धातवः सूत्र से हम पठ शब्द की क्या कर लेते हैं? धातु संज्ञा। इधर ध्यान दीजिए, पठ शब्द की सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? भुआदयो धातवः से धातु संज्ञा, और फिर उपदेशे जनुनासिक इत हलंत्यम लगेगा यहाँ पर। उपदेशे जनुनासिक इत तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। फिर दूसरा काम क्या करते हैं? लकारोत्पत्ति, धातुओं के अधिकार में लकारोत्पत्ति। कौन से सूत्र से? वर्तमाने लट सूत्र से लट ले आएंगे। ठीक है, लट ले आएंगे, लट की फिर इत संज्ञा कर देते हैं हम। इत संज्ञा करने के बाद क्या बचता है हमारा? ल, पठ और ल। ये लट में जो इत संज्ञा हुई कौन कौन से सूत्र से हो गई? हलंत्यम और उपदेशीय जनुनासिक। और जिन दोनों की संज्ञा हुई उन दोनों का क्या हो जाएगा? तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? पठ ल। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है? लकारार्थ। इसका अर्थ बताएंगे कि इस लकार को हम किस अर्थ में लेके आए, कौन से सूत्र से बताते हैं? लह कर्मणी च भावे चा कर्म के भ्यः, इस सूत्र से अर्थ बताया। तो ये लकार हम किस अर्थ में लेके आए? कर्ता अर्थ में। सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्म अर्थ में होता है, और अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और भाव अर्थ में होता है। तो यहाँ पे हम किस अर्थ में लेके आए? कर्ता अर्थ में ले आए। फिर कर्ता अर्थ में जब ले आए, अब चौथा स्टेप, चौथा स्टेप क्या होता है? लस्य के अधिकार में तिप्तस जी सूत्र से 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं, है ना। तिप्तस जी सूत्र क्या बोलता है? धातु से उत्तर ल के स्थान में तिंग प्रत्यय होते हैं, तिबादी प्रत्यय होते हैं बोलो, या तिंग प्रत्यय होते हैं। तो 18 प्रत्यय प्राप्त हो गए, 4 स्टेप पूरे हो गए। फिर पांचवें स्टेप में क्या करें हम? इन जो 18 प्रत्यय प्राप्त हुए उनकी क्या संज्ञा कर देंगे? आत्मनेपद परस्मै पद संज्ञा। पांचवा स्टेप क्या होता है? आत्मनेपद परस्मै पद संज्ञा। तो लह परस्मै पदम से क्या प्राप्त हुई? परस्मै पद संज्ञा। लादेश जो तिंग प्रत्यय है उन सब की परस्मै पद संज्ञा प्राप्त हुई, लेकिन उनमें से 9 की क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा प्राप्त हुई। कौन से सूत्र से? तंगाना वात्मनेपदम से। तंगों की
आत्मनेपद संज्ञा हो गई और बाकी जो बचे उनकी परस्मई पद संज्ञा हो गई। पूर्णिमा जी को पता चला आत्मनेपद संज्ञा किनकी है? बोल के बताइए एक बार, किनकी आत्मनेपद संज्ञा है? आत्मनेपद संज्ञा किनकी है? तंग की है। तंग माने कौन? इक्कीस। इक्कीस कहां से आ गए भाई? किसको? देखो मैं ये पूछ रही हूँ, ल के स्थान में 18 प्रत्यय ले आए ना, इन सब 18 प्रत्ययों की लह परस्मै पदम से क्या प्राप्त हुई? परस्मै पद संज्ञा प्राप्त हुई। लेकिन फिर लह परस्मै पद का अपवाद सूत्र कौन आ गया? तंगाना वात्मने पदम। ठीक है, लह परस्मै पदम सूत्र का जो है अपवाद सूत्र कौन आ गया? तंगाना वात्मने पदम। तंगाना वात्मने पदम क्या बोलता है रिया जी? तंगाना वात्मने पदम क्या बोलता है? हाँ अच्छा, तंगाना वात्मने पदम कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, कैसा सूत्र है? हाँ जोर से बोलो, ठीक बोल रहे हो आप। आत्मनिपद संज्ञा करने वाला सूत्र है ना, कैसा सूत्र हुआ? संज्ञा सूत्र हुआ। संज्ञा करता है तो कौन सा सूत्र हो गया? संज्ञा सूत्र हो गया। तो सीधे सीधे बोलेगा तंगानौ, तंग और आन आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। तंगाना वात्मनेपदम का अर्थ क्या हो गया? तंग और आन तो तंग माने पूछ रही थी मैं, तंग क्या चीज है? आरजू जी बताएंगे तंग क्या है? प्रज्ञा जी बताओ तंग क्या है? हाँ, इड वही महीन के ग तक। अब ध्यान आ गया? पूर्णिमा जी, तंग माने क्या? त आताम झ के त से लेकर के इड वही महीन के ग तक जो नौ प्रत्यय हैं उनका नाम क्या है? तंग। तो तंग की आत्मनेपद संज्ञा हो गई, तो बाकी परस्मै पद संज्ञा किसकी बची? तिप्तस्थी, सिप्थस्थ, मिद्वस्मस, इन नौ प्रत्ययों की क्या हो गई? परस्मै पद संज्ञा। तो हमने पांचवा स्टेप किया अभी। पांचवा स्टेप क्या है हमारा? आत्मनेपद परस्मै पद संज्ञा। ठीक है, 18 प्रत्यय प्राप्त हुए थे, उनमें से नौ की क्या हो गई? परस्मै पद संज्ञा, और बाद वाले नौ की क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा। बैठिए, पहले नौ की परस्मै पद संज्ञा, बाद वाले नौ की आत्मनेपद संज्ञा हो गई। फिर हमने क्या किया? छठा स्टेप क्या है हमारा? आत्मनेपद परस्मै पद नियम। उसके लिए यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, शेषाद कर्तरी परस्मै पदम। तो शेषाद कर्तरी परस्मै पदम क्या बोलता है सूर्यकांति जी? शेष धातुओं से उत्तर कर्ता अर्थ में परस्मै पद प्रत्यय होते हैं। ठीक है, शेषाद कर्तरी परस्मै पदम, शेष धातु है ये, पट शेष धातु है। ऊपर अनुदात्त गीता आत्मने पदम आदि सूत्रों में नहीं पढ़ी हुई, तो शेष धातुओं से उत्तर ल के स्थान में, ल जो कर्ता अर्थ में आया है ना, तो शेष धातुओं से उत्तर कर्ता अर्थ में क्या हो सकता है? परस्मै पदम ही हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय नहीं हो सकते। तो कौन से प्रत्यय हट गए? किन की आत्मनेपद संज्ञा? तंग की। तंग हट गए, तो बाकी नौ क्या बचे? परस्मै पद संज्ञक। किन की परस्मै पद संज्ञा? तिप्तस्थी, सिप्थस्थ, मिद्वस्मस। तो 18 में से नौ ही प्राप्त हो गए। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, आत्मनेपद परस्मै पद का नियम करेंगे, वैसे ही 18 में से नौ हट जाएंगे। कितने बचेंगे? नौ ही बचेंगे। ठीक है, अब इन नौ में से तीन बच जाएंगे। कैसे? इन नौ के नौ की हम क्या करेंगे? हम पुरुष संज्ञा। पहले क्या करते हैं? पुरुष संज्ञा कौन से सूत्र से करते हैं? तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। और फिर पुरुष संज्ञा करने के बाद हम क्या कर देंगे? पुरुष नियम। वो कौन से सूत्र से करते हैं?
शेषे प्रथमः से पुरुष नियम कर देते हैं, ठीक है, शेषे प्रथमः से पुरुष नियम कर देंगे। तो जैसे ही हमने बोला शेषे प्रथमः का अर्थ क्या होता है, शेष के उपपद रहते धातु से प्रथम पुरुष होता है, ठीक है, शेष उपपद रहते धातु से प्रथम पुरुष होता है। तो जैसे ही हमने इतना बोला तो इतने बोलते ही प्रथम पुरुष ही होता है, वहां पे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, शेष उपपद रहते धातु से प्रथम पुरुष ही होता है, क्या नहीं होता, मध्यम पुरुष नहीं होता और उत्तम पुरुष नहीं होता, ठीक है रत्ना जी। शेष उपपद रहते, शेष माने क्या, नहीं शेष माने किसकी दृष्टि से, शेष किसकी दृष्टि से बचा हुआ, युष्मद और अस्मद की दृष्टि से बचा हुआ, युष्मद उपपद में नहीं होना चाहिए, माने तम युवाम और यूयम नहीं होने चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, अहम आवाम और वयम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो सह रामह आदि जुड़ेगा ना, तम तो इसके साथ कभी जुड़ता नहीं, युष्मद कभी नहीं जुड़ता ना इसके साथ, और ना ही अस्मद जुड़ता है, अहम आवाम वयम भी नहीं जुड़ेगा और तम युवाम यूयम भी नहीं जुड़ेगा, तो ये तो शेष ही है ना। तो शेष उपपद रहते धातु से क्या हो जाता है, बोलिए बोलिए, प्रथम पुरुष ही होता है, शेष उपपद रहते धातु से प्रथम पुरुष ही होता है, क्या नहीं होता कभी भी, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं है। तो जैसे ही हमने बोला मध्यम पुरुष नहीं होता और उत्तम पुरुष नहीं होता, तो वैसे ही तुरंत क्या हट गए, छह प्रत्यय हट गए, जिनकी हमने मध्यम पुरुष संज्ञा की थी और जिनकी उत्तम पुरुष संज्ञा की थी वो सब हट गए। मध्यम पुरुष संज्ञा किसकी की थी, सिप्तस्थ की मध्यम पुरुष संज्ञा की थी, और उत्तम पुरुष संज्ञा किसकी की थी हमने, मिद्वस्मस की उत्तम पुरुष संज्ञा की थी। तो वो छह के छह हट गए, बाकी कितने बचे, तीन, कौन से तीन, तिप्तस झी, तो नौ में से भी अभी हमारे पास कितने बच गए, तीन बच गए, ठीक है। आप पूछ रहे हो उपपद का अर्थ क्या होता है, तो उपपद का अर्थ होता है उप माने समीप और पद माने कोई भी पद, आप जानते हो सुप्तिगंतम पदम, तो समीपोच्चारितम पदम उपपदम, जो पास में उच्चरित पद होता है उसको क्या बोलते हैं, उपपद, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं शेष के उपपद रहते, तो शेष पास में उच्चरित है ना, यहाँ पे सह शेष में आएगा, अहम आवाम वयम तम युवाम यूयम से जो भी अलग है वो सब क्या है, शेष, और वो यहाँ उपपद है, इसके पास में पढ़ा हुआ है ना, इसलिए उपपद है, ठीक है। चलिए तो तीन प्रत्यय बच गए, अब तीन में से भी एक चाहिए, उसके लिए हम नौवां स्टेप करने जा रहे हैं, नौवां और दसवां। नौवां स्टेप क्या है हमारा, वचन संज्ञा। वचन संज्ञा कौन से सूत्र से की हमने, तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्येक। सुपह क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हाँ वो सुपों के त्रिकों की एक एक करके क्या करता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करता है। तो यहाँ पे सुपों के त्रिक नहीं है ना, यहाँ तो किसके त्रिक है, तिंगों के त्रिक है, तो क्या लग जाएगा, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन नान्येक। तानी से क्या लेते हैं, तानी से क्या लेते हैं, तिंगह त्रीणी त्रीणी, तानी से क्या लेते हैं, तिंगह त्रीणी त्रीणी, तानी माने वो कौन, तिंग के तीन तीन प्रत्यय, वो क्रमशः एक एक करके किस संज्ञा वाले हो जाते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा वाले हो जाते हैं। तो हमारे पास ये तीन प्रत्यय कौन से बचे थे, तिप्तस जी तीन बचे थे ना, उनमें से तिप की क्या हो गई, एक वचन संज्ञा, तस की क्या हो गई, द्विवचन संज्ञा, और झी की क्या हो गई, बहुवचन संज्ञा। तो वचन संज्ञा तो हो गई, फिर वचन संज्ञा के बाद क्या करेंगे हम, वचन नियम। वचन नियम कौन से सूत्र से हो जाता है, वे कयोर द्विवचनिक वचने, वो क्या बोलता है, द्विवचन प्रत्यय ही होता है, ठीक है, एकत्व अर्थ को कहने के लिए एक वचन प्रत्यय ही होता है, कौन नहीं हो सकता, और द्विवचन भी नहीं हो सकता, एकत्व अर्थ को कहना है ना यहाँ पे, सह तो एक ही है, रामह एक ही है, तो एकत्व अर्थ को कहना है हमें, तो एकत्व अर्थ को कहने के लिए एक वचन संज्ञक प्रत्यय ही हो सकता है, द्विवचन संज्ञक बहुवचन संज्ञक नहीं हो सकते, माने तिप ही हो सकता है, तस झी यहाँ पर नहीं हो सकते,
ठीक है। तो ऐसा करके ये सारी प्रक्रिया करके क्या आ गया, टिप आ गया, पठ और आगे टिप आ गया, इतना ठीक है। 10 स्टेप पूरे हो गए ना हमारे। सबसे पहले हमने धातु संज्ञा की, फिर लकारोत्पत्ति की, फिर लकारार्थ बताया, फिर लस्य के अधिकार में तिप्तस्य सूत्र से 18 प्रत्ययों की प्राप्ति की, उन 18 की हमने फिर आत्मनेपद परस्मैपद संज्ञा कर दी। छठा स्टेप क्या किया, आत्मनेपद परस्मैपद का नियम कर दिया, ठीक है। फिर जो है हमने उन सब 9 प्रत्ययों का क्या किया, पुरुष संज्ञा कर दी। फिर हमने पुरुष नियम किया और फिर 9वें स्टेप में वचन संज्ञा कर दी और 10वें स्टेप में वचन नियम कर दिया। इतना सब करके हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 18 प्रत्ययों में से केवल एक प्रत्यय टिप प्राप्त हो गया, इतना ठीक है। अब टिप में प की इत संज्ञा प्राप्त हो रही है कौन से सूत्र से, हलंत्यम, ठीक है, हलंत्यम। तो इस सबको हटा के मैं यहाँ लिख देती हूँ, पठ और आगे क्या है हमारे पास, टिप। टिप का क्या बचा है, इत संज्ञा करने के बाद, अनुबंध लोप करने के बाद क्या बचा, ती, पठ ती। अब देखो बस एक ही का शेष है ना, बीच में आ जाएगा तो हमारा क्या रूप बन जाएगा, पठती, ठीक है। तो वो जो बीच में आ लाना है ना, उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। अभी तक जो 10 स्टेप पढ़े वो सारे तिगंतों में एक जैसे रहेंगे, उसके आगे के कार्य थोड़े थोड़े अलग रहेंगे। तो अष्टाध्यायी खोलिए, देखिए तृतीय अध्याय का की अंतिम पंक्ति निकालिए, आपका 29 नंबर पृष्ठ है, वहां पे सूत्र है 113 नंबर। क्या सूत्र है, तिंक्षित सार्वधातुकम, क्या सूत्र है, 29 नंबर पृष्ठ द्वितीय पंक्ति 113 नंबर सूत्र है, तिंक्षित सार्वधातुकम, ठीक है। ये सार्वधातु संज्ञा करने वाला सूत्र है, क्या है, ये सार्वधातु संज्ञा करने वाला सूत्र है। पूरी अष्टाध्यायी में सार्वधातु संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, कौन सा, तिंक्षित सार्वधातुकम। पूरी अष्टाध्यायी में सार्वधातुक संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, तिंक्षित सार्वधातुकम। और फिर देखिए आगे आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, ठीक है। ये जो आगे 3 सूत्र हैं, या कह लीजिए 4, छंदस्युभयथा को भी इसी में आप ले सकते हो, या अलग से गिनो तो कम से कम 3 तो हैं ही, सार्वधातुक और आर्धातुक। प्रत्यय जानने लग गए ना आप अभी, प्रत्यय समझते हैं ना, अभी भी नहीं समझते, आपको बताया तो, संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रायः ना 2 पार्ट होते हैं हर एक शब्द में। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रकृति, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रत्यय, ठीक है। और उन सारे प्रत्ययों को महर्षि पाणिनि जी ने कहां कौन कौन से अध्याय में पढ़ा हुआ है, 3रे में, 4थे में, और जहां तक प्रत्यय का अधिकार जा रहा है वहां तक समझेंगे। प्रत्यय सूत्र कहां है, 3-1-1 ऐसे बोला करो संक्षेप में, कहां है, 3-1-1, हाँ 3-1-1 प्रत्यय सूत्र है। तो प्रत्यय सूत्र का अधिकार कहां तक जाता है, हाँ 3-1-1 से लेकर के पंचम अध्याय के अंतिम तक। तो माने 3रे अध्याय में भी प्रत्यय है, 4थे में भी प्रत्यय है, और 5वें में भी प्रत्यय है, ठीक है। अब ये जो 3रे अध्याय में प्रत्यय है ना, 3रे अध्याय वाले प्रत्यय, इनके 2 बहुत सारे वैसे अलग अलग नाम भी आएंगे बीच बीच में, लेकिन उनका कुछ नाम जो है वो, उनके 2 तरह के नाम ये भी है, सार्वधातुक और आर्धधातुक। किन्हीं प्रत्ययों का नाम क्या रख दिया, सार्वधातुक प्रत्यय, और किन्हीं का नाम क्या रख दिया, आर्धधातुक प्रत्यय। तो वो नाम रखने वाला जो वाक्य है ना, नाम रखने वाला जो सूत्र है, सार्वधातुक नाम रखने वाला एक ही सूत्र है पूरी अष्टाध्यायी में, कौन सा, तिंक्षित सार्वधातुकम। और आर्धातुक नाम रखने वाला जो है वो, ये 3 सूत्र है, कौन से, शेषह, लिटच, लिंगा, शीशी, ये 3 आर्धातुक नाम रखते हैं, ठीक है। और अंतिम जो छंदसी उभयथा है वो दोनों नाम रखता है, सार्धातुक भी और आर्धातुक भी। छंद में जो आर्धातुक प्रत्यय है वो दोनों तरह के होते हैं, सार्धातुक भी और आर्धातुक भी, ठीक हो गया। चलिए अब हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पे सार्धातुक संज्ञा करनी है, किसकी, स्त्री की। किस सूत्र से होगी सार्धातुक संज्ञा, तिंक्षित सार्वधातुकम्।
तिंशित सार्वधातुकम, दो शब्द हैं अलग अलग ये, तिंशित सार्वधातुकम। अच्छा फिर दोहराइए, जो भी संज्ञा सूत्र होते हैं पहले तो ये बताइए सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र कितने प्रकार के हैं? छह प्रकार के हैं ना। श्लोक बोलिए, परिभाषा विधेय नियम एवच अतिदेशोधिकारश्च षड्विधं सूत्र लक्षणम्। छह प्रकार के हैं, उसमें से ये सूत्र कैसा सूत्र है? नाम रखता है जो सूत्र, वो कैसा सूत्र होता है? संज्ञा सूत्र। और संज्ञा सूत्र में कितनी चीजें होती हैं? दो। कौन कौन सी? संजी और संज्ञा। तो पहले संजी होता है कि पहले संज्ञा होता है? संजी पहले होता है। तो ये तिंशित क्या हो गया? संजी। और ये सार्धातुकम क्या हो गया? संज्ञा। ठीक है, तिंशित संजी है, सार्धातुकम संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा सूत्रों में ये भी प्रथमा का एक वचन है, ये भी प्रथमा का एक वचन है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास है, ध्यान दीजिए। दो शब्द है तिंग और शित, तिंग और शित द्वंद्व समास है ना। द्वंद्व समास किस अर्थ में होता है? और अर्थ में। कौन से सूत्र से होता है? चार्थे द्वंद्व। एक ही सूत्र है पूरी अष्टाध्यायी में द्वंद्व समास करने वाला, कौन? और उसका अर्थ क्या है? च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। तो ये दो चीजें हैं, तिंग और शित। तिंग और शित सार्धातुक संज्ञक होते हैं। अर्थ हो गया? संज्ञा सूत्रों का अर्थ तो ऐसा ही होता है ना। क्या अर्थ हुआ बोलिए? तिंग और शित सार्धातुक संज्ञक होते हैं। तो तिंग को तो आप पहले से पहचानने लग गए हैं। तिंग कौन है? तिंग एक प्रत्याहार है। तिंग क्या है? तिंग एक प्रत्याहार है। कहां से लेके कहां तक? तिप्तस झी के ती से लेकर के इडवही महीन के ग तक। ठीक है, तिंग एक प्रत्याहार है, तिप्तस झी के ती से लेकर के इडवही महीन के ग तक। तो कितने प्रत्यय आ जाते हैं तिंग में दीक्षा जी? कितने प्रत्यय आ जाते हैं तिंग में? 18। ठीक है, कितने प्रत्यय आ गए? 18। और ये दूसरा शब्द है हमारे पास शित। क्या है? शित। इसको भी आप पहचानते हैं, आपको पहले अर्थ बताया है ना। कित माने क्या होता है? कित। कित माने क्या होता है? कित, मित, चित, नित, इन सब का अर्थ बताया है ना आपको। कौन सा समास है इन शब्दों में? इसमें दो मिले हुए हैं ना, क और क इत। ठीक है, और बहुव्रीहि समास है, क इत है जिसका, म इत है जिसका, च इत है जिसका, न इत है ऐसे ही शित भी है। शित माने श इत है जिसका। ठीक हो गया, श इत है जिसका, उसको हम क्या कहेंगे? शित। और तिंग किसको कहेंगे? तिप्तस झी 18 प्रत्ययों को तिंग कहेंगे, और श इत है जिसका उसको शित कहेंगे। तो इन दोनों की ही क्या हो जाती है? सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तिंग की सार्वधातुक संज्ञा है, माने जो तिप्तस्य 18 के 18 प्रत्यय उन सब की क्या है? सार्वधातुक संज्ञा है। और जो शित प्रत्यय हैं, शित माने जैसे कि अभी बताएंगे, पहले आपने पढ़ा भी हुआ इत संज्ञा प्रकरण में, जैसे शप प्रत्यय है, ठीक है, उसके श की इत संज्ञा होती है ना, किससे? लशक व तद्धिते से। ठीक है, तो ये जो शप है ये कैसा हुआ? शित। तो शित है तो इसकी संज्ञा क्या होगी? सार्वधातुक। ये शित प्रत्यय है ना, शकार की संज्ञा हुई, तो शित का नाम क्या रख दिया है? सार्वधातुक। तो ये प्रत्यय भी कैसा हो जाएगा? सार्वधातुक प्रत्यय हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे, ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पठ ती में जो ती है इसका नाम क्या हमने रख दिया? सार्वधातुक नाम रख दिया। कौन से सूत्र से? तिंशित सार्वधातुक। ये तिंग है कि शित है? ये क्या है? तिंग है। तिंग होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? प्रिया जी ये शित नहीं है क्या? ये तिप जो प्रत्यय है ये शित है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंत में नहीं बोले, इसके श की इत संज्ञा नहीं है, चाहे आदि में हो अंत में हो। ठीक है, इसके श की इत संज्ञा
नहीं है, इसमें तो श अनुबंध ही नहीं है, इत संज्ञा कहाँ से होगी, है ना? टिप में तो श है ही नहीं, तो इसलिए ये शित नहीं है, इसके श की इत संज्ञा नहीं है, इसलिए शित नहीं है। तो तिंग होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? अब सार्वधातुक संज्ञा क्यों की हमने? नाम तो काम के लिए ही रखते हैं ना, बिना काम के नाम का कोई मतलब नहीं है, तो नाम तो हमने कोई काम करने के लिए रखा है, तो नाम सार्वधातुक रख दिया। काम क्या करना है? तृतीय अध्याय का प्रथम पाद निकालिए। अब 17 नंबर पृष्ठ पे प्रथम पंक्ति में देखिए, 68 नंबर सूत्र 68, कर्तरी शप। क्या सूत्र है? कर्तरी शप। मिल गया, कर्तरी शप। विभक्ति वचन बता सकते हैं? कर्तरी क्या है? प्रथमा यह एक वचनम है। हाँ, कर्तरी शब्द के रूप याद किए ना आप लोगों ने, तो सप्तमी में रूप कैसे चलते हैं? कर्तरी कर्त्रोः कर्तृषु, ऐसे रूप चलते हैं ना। तो कर्तरी क्या है, इधर देखिए जल्दी से बोलिए। हाँ मोनूची, कर्तरी क्या है? सप्तमी यह एक वचनम। और शब्द क्या है? प्रथमा याह एक वचनम। हल के जैसे इसके रूप चलते हैं, हल हलौ हलह, शप शपौ शपह, तो ये प्रथमा का एक वचन हो गया। अब देखो कर्तरी शब के ऊपर एक सूत्र है सार्वधातु के यक। क्या सूत्र है? वहां से अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति? सार्वधातु के की अनुवृत्ति आ रही है, सार्वधातु के। विभक्ति वचन बताइए इसके, सार्वधातु के विभक्ति वचन क्या है? मूल शब्द सार्वधातुकम होता है ना, प्रथमा के एक वचन में सार्वधातुकम, तो ये कहाँ बनेगा सार्वधातु के? सप्तम्याह एक वचनम। रूप कैसे चलेंगे? मित्रवत फलवत, नपुंसक लिंग शब्द है ना सार्वधातुकम, ठीक है, तो फलवत रूप चल जाएंगे सार्वधातु के, सप्तमी के एक वचन में बन जाएगा। और एक अनुवृत्ति आ रही है, यहाँ 22 नंबर सूत्र देखिए, धातु रे काचो हला दे है क्रिया समभिहारे यंग। वहां से किसकी अनुवृत्ति आ रही है? धातोः की अनुवृत्ति। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हाँ, धातोः के रूप कैसे चलते हैं? धातु शब्द के रूप कैसे चलेंगे? हाँ गुरु के जैसे। धातु शब्द पुल्लिंग है संस्कृत में, हिंदी में तो हम बोलते हैं कौन सी धातु है, हिंदी में धातु शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में धातु शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो उसके रूप कैसे चलते हैं? गुरुवत रूप चलते हैं। तो धातु का धातो हो पंचमी के एक वचन में भी बन सकता है और षष्ठी के एक वचन में भी बन सकता है, तो ये धातु हो क्या है? पंचमी का एक वचन। क्या है? पंचम्याहा एक वचनम। अब आप अपने आप अर्थ बता सकते हैं, क्योंकि आपको विभक्तियों के सब अर्थ पता है। तो धातो हो पंचमी है, क्या अर्थ हो जाएगा? धातु से उत्तर, शप प्रथमा है, शप माने शप होता है, धातु से उत्तर शप होता है। कर्त्री सार्वधातु के, ये सप्तमी है, सप्तमी का क्या अर्थ होता है? के परे रहते, तो कर्ता अर्थ में सार्वधातु के परे रहते, इसी को बोल देते हैं हम कर्त्रीवाची सार्वधातु के परे रहते। जो कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय होगा वो कर्ता अर्थ को कहेगा भी तो उसको हम कर्तृवाची बोल सकते हैं ना, तो कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते। फिर से देखिए क्या अर्थ हो गया, धातो हो माने धातु से उत्तर, शप माने शप प्रत्यय होता है, कर्तृ सार्वधातु के माने कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते। कर्तृ माने कर्ता अर्थ में, सार्वधातु के माने सार्वधातु के परे रहते, तो इसको हम शॉर्ट करके बोल देते हैं कर्तृवाची सार्वधातु के परे रहते। अब इसको देखो यहाँ घटाते हैं फिर समझ आएगा। धातो हो धातु से उत्तर, इसका नाम हमने धातु रखा था, पट का नाम धातु रखा था ना, कौन से सूत्र से? भूवादयो धातव, तो ये धातु है, धातु से उत्तर शप होता है, धातु से बाद में, उत्तर माने बाद में, धातु के बाद शप हो जाएगा, लेकिन कब होगा, किसके परे रहते? कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते। तो फिर ध्यान दीजिए इधर, अभी अभी इसका नाम हमने सार्वधातुक रखा है तिंशित सार्वधातुकम से, तो ये पता है हमें ये सार्वधातुक है, लेकिन ये किसमें भी होना चाहिए?
कर्तार्थ में भी होना चाहिए, कर्तृवाची होना चाहिए, कर्ता को बोलने वाला। तो ध्यान दीजिए, हम ल किस अर्थ में लेके आए थे? कर्तार्थ में, और ल के स्थान में ही तिप आया है ना, तो ल कर्तार्थ को कहता है, तो उसके स्थान में जो तिप आया है स्थानिवत आदेश, आदेश स्थानी के समान ही होता है ना, ठीक है। तो ल कर्ता में आया है, तो ल के स्थान में जो तिप आया है वो भी कर्तार्थ में ही आया है। तो ये कर्तार्थ को कहने वाला सार्धातुक प्रत्यय हो गया, क्या हो गया, ये कर्तार्थ को कहने वाला सार्धातुक प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो सूत्र की शर्त घट गई, कर्तरी शब्द सूत्र क्या बोलता है, धातु से उत्तर शब्द प्रत्यय होता है कर्तृवाची सार्धातुक के परे रहते, ठीक है। आरती जी समझ आ गया, धातु से उत्तर शब प्रत्यय होता है कर्तृवाची सार्धातुक के परे रहे। तो ये धातु है, ये कर्तृवाची सार्धातुक है, तो धातु से उत्तर क्या हो जाएगा, शब हो जाएगा। तो शब हो गया, तो स्थिति क्या हुई हमारी, पट शब और ती। तो बस आपका पठति बनने ही वाला है। अब इत संज्ञा कीजिए, श की इत संज्ञा किससे हो जाती है, लशक्व तद्धिते। प की इत संज्ञा किससे हो जाएगी, हलंत्यम। तो शब का क्या बचा, अ, पठ अ और ती, क्या बन गया, ये पठती, क्या बन गया, पठती बन गया। समझ आ गया, दोहराएं इसको। आज हमने क्या क्या नए कार्य किए, 10 स्टेप तो कई बार दोहरा लिए, ठीक है। उन 10 के बाद इतनी स्थिति हो गई, पठ और तिप, तिप के प की संज्ञा हो गई, तो क्या बचा, पठ ती। अब इस तिप की हमने क्या कर ली, तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्धातुक संज्ञा। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र क्या बोलता है, तिंग और शित सार्धातुक संज्ञक होते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, तिंग और शित सार्धातुक संज्ञक होते हैं। ये क्या है, तिंग है कि शित, तिंग, तो इसकी क्या संज्ञा हो गई, सार्वधातुक संज्ञा। अमन जी, तिंग इस ती की क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा, कौन से सूत्र से, तिंशित सार्वधातुकम, ठीक है, इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। फिर सार्वधातुक संज्ञा हमने किसी काम के लिए की है ना, क्योंकि कर्तरी शब्द सूत्र क्या बोलता था, कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते धातु से शब होता है। तो जब तक इसका नाम सार्वधातुक नहीं रखते तो कर्तरी शब्द सूत्र नहीं लगा सकते थे ना, इसलिए पहले हमने क्या किया, इसका नाम सार्वधातुक रखा, कौन से सूत्र से, तिंक्षित सार्वधातुकम से। फिर क्या कर लिया हमने, कर्तरी शब्द सूत्र से जो है वो शब प्रत्यय ले आए। कर्तरी शब्द सूत्र क्या बोलता है, धातु से उत्तर शब प्रत्यय होता है कर्तृवाची सार्धातु के परे रहते। तो धातु से उत्तर, ये धातु है ना, धातु से उत्तर शब होता है किसके परे रहते, कर्तृवाची सार्धातु के परे रहते। तो ये बीच में आके बैठ जाएगा ना, क्योंकि हम कह रहे हैं धातु के बाद बैठना चाहिए और कर्तृवाची सार्धातु के परे रहते बैठना चाहिए, तो बीच में आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो पठ शप ती ऐसे हो गया। अब ये शप को हम शप के अनुबंध का लोप कर देंगे, शप के अनुबंधों की संज्ञा कर देंगे, ठीक है। जिनकी इत संज्ञा होती है उन्हीं को अनुबंध बोलते हैं ना, तो श की संज्ञा हो जाती है किससे, लशक्व तद्धिते। वो सूत्र क्या बोलता है, प्रत्यय के आदि लकार शकार और कवर्ग इत संज्ञक होते हैं, किसको छोड़ करके, तद्धित को छोड़कर। तो ये तद्धित तो नहीं है ना, तद्धिता अधिकार से तो पहले ही है ये, तो ये अतद्धित प्रत्यय है और ये प्रत्यय का आदि शकार है, तो इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा, कौन से सूत्र से, और प की इत संज्ञा किससे हो जाती है, तो क्या बचा हमारा, अ, तो पठ अ ती, ठ में अ मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, पठती, ठीक है। ऐसे ही आगे पठतः पठंती भी बनेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब वही वाले कार्य, तो उसको हम आगे वाली कक्षाओं में देखेंगे।
ओम।